दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि पाई नेटवर्क पे कोर्ट केस हो चुका है। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, और पाई नेटवर्क पे जो कोर्ट केस हुआ है पाई नेटवर्क मैन एंड डिले को लेके हुआ है कि अभी तक क्यों नहीं इसकी लॉन्चिंग की गई और ये डिले क्यों किया जा रहा है। और ये जो केस किया गया है, जो कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है, ये पाई नेटवर्क के एक इंटरनली मेंबर हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं। मैं उनका आपको प्रॉपर नाम बताऊंगा क्यों उन्होंने ऐसा बोला है, और बोला जा रहा है कि जितने भी करोड़ों पाइनियर्स हैं उनका जो टाइम है या जो कॉइन है या जो पैसा है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है या हो जाएगा। और उसके साथ आपको कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में भी पता चलेगा। वीडियो बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी और टेंशन लेने की या होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मार्केट के अंदर क्या कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है, क्या कॉन्फ्लिक्शंस चल रही है पाई नेटवर्क को लेके स्पेशली, क्योंकि अभी पाई नेटवर्क की जो ग्रोथ है बहुत ही हायर लेवल पे हो चुकी है, तो ये सब क्या चल रहा है। और आप सबका भी ये क्वेश्चन है और रहता है कि ऑफिशियल लॉन्चिंग क्यों नहीं हो रही, कब होगी, उसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप जाके उसको भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी अपडेट्स हम आप सभी को देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे पाई हैक्टन को लेके बताया जा रहा है, और यहाँ पे हर टाइम पाई नई एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा ये बताता है कि हम ओपन मैनेज के बाद आपको एप्लीकेशंस देंगे, और अभी हाल फिलहाल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो रन की जा रही है और उसके जो बेनिफिट्स है आप सभी उठा रहे हो। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, पाई नेटवर्क मैनेज डिले एट्रीब्यूटेड टू लॉ सूट बाई एमसी फिलिप्स एलिगिंग फ्रॉडेंटल प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टमेंट थ्रेड। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग को लेके है, और सभी लोग इस चक्कर में परेशान हैं। और ऐसा नहीं है कि पाई नेटवर्क कुछ काम नहीं कर रहा, पाई नेटवर्क के अभी 52 मिलियन करंट एक्टिव पाइनियर्स हैं, जो अभी रीसेंट का ही अपडेट है, एक से दो दिन पहले इस चीज़ को अपडेट किया गया है। पाई नेटवर्क के शोरूम्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिलती है। और 22 तारीख को ग्लोबल लेवल का प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके अंदर डिफरेंट कंट्री से लोग आए थे। मतलब यूटिलिटीज़ को लेके और एक्सटर्नली सारी चीज़ें पाई नेटवर्क बेस्ट कर रहा है, बट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है लॉन्चिंग को लेके, और यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से ब्लेम किया गया है, और इनको एज अ कोर्ट केसेस के थ्रू बताया जा रहा है। और वो कौन बता रहा है, एमसी फिलिपींस बोल रहे हैं कि पाई नेटवर्क कुछ नहीं करने वाला और ये फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप अपना टाइम देके इसको माइन कर रहे हो, वो एट दी एंड ख़राब होने वाला है, कोई भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, अ पाई नेटवर्क यूजर्स हैज़ कम फॉरवर्ड टू डिस्क्लोज द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड द डिले इन द ओपनिंग ऑफ द पाई नेटवर्क मैनेज। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे लोगों को पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं निकोलस, उन्होंने भी पोस्ट किया था कि हम जो ओपन मैनेज है तभी रिलीज़ कर पाएंगे जब मैक्सिमम लोगों की KYC कंप्लीट हो पाएगी। और जो दूसरी चीज़ थी वो यूटिलिटीज़ को लेके बात की जा रही थी। तो पहली चीज़ क्या थी, KYC। अगर KYC कंप्लीट नहीं होगी तो हमारी जो ऑफिशियल जो लॉन्चिंग होगी उसके बाद वो सभी लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वो सभी लोग अच्छे जो फीचर्स हैं, जो सारे फीचर्स हैं वो लोग नहीं उठा पाएंगे जिनकी KYC कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। और उसके साथ CBDC की भी आपने बात सुनी होगी, जहां पे आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज होती है अंडर द गवर्नमेंट रजिस्टर कराई जाती है, जिससे कि वो सेफ़ रहती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, द यूजर्स एसर्टेड दैट ongoing lawsuited filed by Vince एमसी फिलिपिन। ये इनकी आपने फ़ोटो देखी होगी, दिखने में नाइजीरियन टाइप के हैं, और ये पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं उनके साथ इन्होंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी पोस्ट कर रखी है, और ये ब्लेम कर रहे हैं इसी चीज़ को लेके, अगेंस्ट द पाई नेटवर्क इट्स को फाउंडर डॉक्टर निकोलस माइट बी प्राइमरी कॉज ऑफ
सेटबैक, ठीक है। द लॉ सूट हैज़ ब्रॉट टू लाइट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट थ्रेट्स एंड एलिगेंट फ्रॉडेंटल प्रैक्टिसेस विद द पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल फिलहाल के अंदर जो फ्री में माइन किए जाने वाला सबसे जो पहला प्रोजेक्ट है वो पाई नेटवर्क का है, और सबसे ज़्यादा जो फैन की बात करें, सबसे ज़्यादा जो पाइनियर्स की हम बात करें या सर्चेस की बात करो, एक्स वाई जेड किसी भी एंगल में आप बात कर लो, आपको पाई नेटवर्क ही देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर निकोलस एग्लिट सेंड एन ईमेल टू एमसी फिलीपींस। कोर्ट के हिसाब से जो पाई नेटवर्क के सीईओ हैं उन्होंने ईमेल सेंड किया है एमसी फिलीपींस को, डिस्कस्टिंग पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टमेंट, जहां पे वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो फ्यूचर में हो सकती है पाई नेटवर्क के साथ, ठीक है। मतलब जो चीज़ें पाई नेटवर्क करने वाला है उस चीज़ के बारे में एमसी फिलीपींस को वो एक्सप्लेन वगैरह कर रहे हैं। द ईमेल रिपोर्टेडली कंटेन एन इम्प्लाइड थ्रेड्स दैट सजेस्टेड द डिफेंडिंग वुड डिल्यूट एमसी इक्विटी इन द कंपनी। तो यहाँ पे इनकी कुछ इक्विटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बेसिकली मेंबर्स वगैरह होंगे तो इनका इंटरनली एक शेयर होता है कि मेरा शेयर इतना होना चाहिए, आपका शेयर इतना होना चाहिए, तो इनके बीच में ये कुछ पर्सनल या म्यूचुअल कुछ दिक्कत वगैरह हुई होगी, और जिसके चक्कर में जो निकोलस होंगे उन्होंने अच्छा नहीं लगा होगा, उन्होंने बोल दिया होगा कि आप थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, या ऐसा कुछ म्यूचुअली कुछ हुआ होगा, और उसी चीज़ को लेके इन्होंने जो कि एमसी फिलीपींस है इन्होंने कोर्ट वगैरह केस कर दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ कि ये रीज़न। और उसके साथ बताया जा रहा है व्हाट हैज़ रेज फर्दर कंसर्न अमंग एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस पाई नेटवर्क यूजर्स इज द रिलीवेशन दैट एमसी फिलीपींस हैड एक्वायर्ड एन अस्टाउंडिंग 500 मिलियन शेयर्स ऑफ पाई नेटवर्क एट एन एक्सटेंशनली लो प्राइस ऑफ 0.0005 US डॉलर्स पर शेयर। मतलब कि यहाँ पे टोटल 500 मिलियन शेयर्स की बात की जा रही है जो कि एमसी फिलीपींस बताते हैं, और जो इसका लोवेस्ट प्राइस होगा वो 0.005 US डॉलर्स होने वाला है, जो कि बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। दिस acquisitions अलाउ हिम टू सिक्योर एंड substantial स्टेक इन द कंपनी, और वो चाहते हैं एक्वायर करना एक अच्छा खासा, मतलब अपना भी स्टेकिंग जो है कंपनी के अंदर। अनदर लेस दी legitimacy of the transaction is now being questioned with suspicious of fraudulent practices surround the परचेज। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अभी मार्केट के अंदर कुछ कुछ अनएक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि पाई नेटवर्क को विदाउट उसकी परमिशन अलग अलग डिफरेंट टॉप के एक्सचेंजेस पे लिस्ट वगैरह कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी पाई नेटवर्क के फाउंडर की तरफ से, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐसे कैसे लॉन्च हो सकती है, और वो भी लॉन्च छोटी मोटे एक्सचेंजेस पे नहीं है, बाइनेंस पे एक्सचेंजेस है, और भी जो टॉप के एक्सचेंजेस है जैसे कि आप सभी को पता है वहाँ पर भी ये लिस्टेड है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पाई नेटवर्क के सभी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कुछ कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। दी लॉ सूट हैज़ अनडाउटेबली कास्ट अ शैडो ओवर पाई नेटवर्क रेपुटेशन एंड हैज़ रेज्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द फाइनेंशियल डीलिंग। और यहाँ पे एलिगेशंस लगाई जा रही है, कोर्ट केसेस की बात की जा रही है, और यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल डीलिंग की भी बात की जा रही है। दी डिले इन दी लॉन्च ऑफ मैनेंट एड्स फर्दर अनसर्टेनिटी टू द सिचुएशन लीडिंग इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स टू वेट फर्दर डेवलपमेंट्स इन द लीगल प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे जो पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं वो ये चाहते हैं बेसिकली कि हम थोड़ा लेट करें, बट हम सारी चीज़ों को लीगल तरीके से करें। जिस तरीके से चाइना और यूएसए के अंदर इन्होंने अपना जो पेटेंट है, अपना जो ट्रेडमार्क है, उसका रजिस्ट्रेशंस वगैरह इन्होंने ऑन द पेपर आप सभी को सोशल मीडिया पे शेयर किया था, और मैक्सिमम लोगों ने इस चीज़ के बारे में यूट्यूब पे बताया, मैंने भी बताया था, और आपने भी देखा होगा ट्विटर वगैरह पे, ठीक है। और ये लीगल टर्म्स की इसीलिए बात की जा रही है, KYC इसीलिए कंप्लीट की जा रही है, क्योंकि जब ये ऑफिशियली आएगा तो उससे पहले सभी लोग ज्वाइन भी कर पाए, और जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट में करे, क्योंकि जिस तरीके से अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरीके से जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को सिक्योरिटी तभी मिलेगी, अदरवाइज आपको सिक्योरिटीज भी देखने को नहीं मिलेगी। इसी चीज़ को कुछ मैं ऑफिशियल आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ। विंसेंट एमसी फिलिप्स क्लेम राइट्स विद पाइको टीम, मे बी दिस इज़ द रीज़न फॉर द डिले इन ओपनिंग मैनेंट। तो यहाँ पे कुछ ये क्रिटिकल बातें कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता चला होगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग से अभी आपको बताया। तो यहाँ पे पहले आप देखो, विंसेंट एमसी फिलिपींस करके है और पाइक कम्युनिटी कंपनी करके है, और उसके साथ यहाँ पे डेट्स वगैरह भी
आपको देखने को मिलती है, और ये 20 तारीख की बात है, मतलब ठीक है आज है 25 तारीख बट ये 20 तारीख की बात है, ये प्रॉपरली मार्केट के अंदर रिलीज अभी एक से डेढ़ दिन पहले हो रहा था, बट मैंने इस चीज़ को कवर करना था, बट आज मैं इस चीज़ को इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको ही पता होना चाहिए कि पाई नेटवर्क की जो बेकार बातें हैं या जो मार्केट में चल रहा है ये क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट टाइमिंग भी लिखी है 3 बजे के आसपास, हायरिंग टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे अदर्स कर रखा है और डिपार्टमेंट्स 20 यहाँ पे शो किए जा रहे हैं और हर्ड बाय कोर्टरूम रिपोर्टर नो कोर्टरूम ऐसा शेयर किया जा रहा है और उसके साथ नो अपीयरेंस केस सेटल्ड, मतलब बताया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, केस सेटल हो चुका है और इस चीज़ को लेके नीचे भी बताया जा रहा है सेट फॉर डिमर्सल रिव्यू आफ्टर सेटलमेंट ऑन। यहाँ पे जो डेट लिखी गई है वो 21 तारीख की डेट लिखी गई है, 9वें महीने की यहाँ पे इन्होंने डेट को शेयर किया है, आई थिंक सेप्टेम्बर की डेट है जो कि 10 बजे के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा डिपार्टमेंटल। और उसके साथ यहाँ पे ट्रायल सेटिंग कॉन्फ्रेंस करके है, करेंटली सेट फॉर 12-12-12 है, मतलब कि ये 12 तारीख को दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, इस वैकेटेड मतलब कि ये बेसिकली खाली है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, क्या चीज़ है, तो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है जो मैंने आप सभी को बताया, जो आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा था, और इस चीज़ को लेके पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी इस चीज़ का आंसर वगैरह किया है ईमेल करके कि हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। और MC थोड़ा वो गुस्सा भी होंगे और उन्होंने जो भी चीज़ें बोली होंगी, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गलत बोली होंगी या सारी चीज़ें झूठ बोली होंगी, बहुत सारी चीज़ें सच होती है, बहुत सारी चीज़ें झूठ होती है, दोनों की कुछ कॉन्फ्लिकेशंस हैं जो अभी आपको मार्केट के अंदर जो निकल के आया आर्टिकल में वो पता चला। ठीक है, अब बात आती है कि यार पाई नेटवर्क क्या फ्रॉड है या रियल है, क्या करना चाहता है ये। तो अभी इन्होंने बोला है कि ये चीज़ें मैक्सिमम सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, मतलब कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, बट एक और जो प्रॉपर इनका जो एक पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं वो इस चीज़ पे एक प्रॉपर आर्टिकल रिलीज़ करने वाले हैं, बट अभी नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा इस चीज़ पे, जैसे ही कोर्ट वगैरह का चीज़ें आती हैं, मतलब क्योंकि जो जिस चीज़ का ब्लेमिंग वगैरह की जाती है उसका जो रियल आंसर है ये करके देंगे विद एविडेंस वगैरह, तो उसकी लिए थोड़ा सा आपको समय का वेट करना पड़ेगा। और बाकी सब अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, और अभी ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इस चक्कर में, ठीक है, क्योंकि जैसा भी आप खुद सोचो ना, जब इतना ज़्यादा इसका फ़ैन बेस हो चुका है और लोग अपने हिसाब से जुड़ रहे हैं और पाई नेटवर्क ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी दी हैं जो जिस तरीके से ये बात करता है, तो उस हिसाब से जो आने वाला टाइम है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और कोई भी चीज़ मान के चलो बीच में फ्लक्चुएट करती है क्योंकि हर बार कोई चीज़ सही नहीं चलती, जैसा कि कोई भी चीज़ जब ऊपर जा रही होती है तो उसको अंदर से भी लोग गिराने की कोशिश करते हैं मे बी, या बाहर से तो करते ही हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाई नेटवर्क 100% रियल है, ना मैं ऐसा बोलूँगा कि 100% फेक है, ये एक टाइम के बाद ही एक्चुअल पता चलेगा जब हमें ओपन मैनेट देखने को मिलेगा, और ओपन मैनेट को लेके बहुत कन्फ्यूजन्स थी। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये आज की रात में इसको ख़त्म करते हैं और कल सुबह एक अच्छी गुड न्यूज़ की तरफ देखते हैं क्या क्या मार्केट के अंदर आता है पाई नेटवर्क को लेके, क्योंकि आज के दिन तो कुछ ज़्यादा ही भसड़ थी जैसा आज आपने इस वाली वीडियो में देखा और इस वाले आर्टिकल में देखा, जबकि ये एक से डेढ़ दिन पुराना था और मेरे को आज इसको कवर करना पड़ा, मेरे को हर एक एंगल आपको बताना होता है पाई नेटवर्क का कि पाई में पॉजिटिव क्या चल रहा है, नेगेटिव क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा काम है आपको राइट नॉलेज प्रोवाइड करना। और बाकी बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो आप इन्वेस्टमेंट उसी जगह पे करो, पहले आप रिसर्च करो देन आप जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, मेरा काम है आपको न्यूज़ देना और आप सभी को एक्सप्लेन करना कि अभी हाल फिलहाल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह आपको बहुत सारी और एक्साइटिंग न्यूज़ देखने को मिलेगी। और अभी तक चैनल पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस यार एक लाइक कर दिया करो यार, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा लो, ठीक है, नोटिफिकेशंस नहीं जा रही होंगी तो ऑल पे दबा लो सब्सक्राइब करके, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको भी जाके आप फॉलो कर लो, उसको आप फॉलो नहीं करते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।